भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे प्रत्येक राष्ट्र या राज्य अपनी आवश्यकताओं और अपनी परिस्थितियों के अनुरूप चुनता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी परिस्थितियां और आवश्यकताएं पृथक पृथक हैं, इसलिए हर राज्य की या हर राष्ट्र की के संविधान की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो आज हम भारतीय संविधान की कुछ विशेष विशेषताओं को डिस्कस करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। इससे अभिप्राय यह है कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया है। भारत केवल एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र ही नहीं है जिसमें शासन चलाने की अंतिम शक्ति जनता के पास है, बल्कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, या हम कह सकते हैं कि जिस संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, उस संविधान सभा के प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि थे। इसलिए ये कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, क्योंकि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया था। जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं, इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसका प्रारंभ इन शब्दों के साथ होता है कि हम भारत के लोग, ठीक है। भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि इस टाइप से प्रस्तावना चलती है, और लास्ट में आता है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकार करते हैं। तो इससे क्या अभिप्राय निकलता है कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया है, इसलिए इसे लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान भी कहा जाता है। सेकंड विशेषता आती है निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा के द्वारा किया गया, उस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को लिखा गया है, अर्थात भारतीय संविधान का स्वरूप लिखित है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा के द्वारा किया गया है, और ये निर्मित है इसलिए। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि विश्व में यह सर्वाधिक व्यापक या विस्तृत संविधान है। विश्व के किसी भी दूसरे देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है जितना कि भारत का संविधान। देखिए, इससे पहले हमने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया था। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है, और उसका निर्माण नहीं किया गया है, उसका विकास हुआ है। लेकिन भारतीय संविधान का विकास नहीं हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया है। इसका लिखित स्वरूप है और ये सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और जो अमेरिका का संविधान है वो विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान का अध्ययन करेंगे तो उसमें 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत के संविधान को विस्तृत रूप से लिखने का प्रयास किया गया है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। इसी तरह तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता आती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। भारत को क्या कहा जाता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब हम इसे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या अभिप्राय है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। देखिए जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, इंग्लैंड के अधीन था, तब हम भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में नहीं रखते थे। आज भारत जब स्वतंत्र हो चुका है तो भारत को हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहते हैं, क्योंकि भारत अपने देश का आंतरिक प्रशासन को चलाने में स्वतंत्र है। भारत की जो विदेश नीति है, भारत अपनी इच्छा से अपनी विदेश नीति का निर्माण और अनुसरण करता है, उसके ऊपर किसी अन्य राष्ट्र का किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। यदि किसी राष्ट्र के ऊपर अन्य राष्ट्र का दबाव होता है तो उस राष्ट्र को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में नहीं रख सकते। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है क्योंकि भारत आंतरिक और बाहरी दृष्टि से स्वतंत्र है, किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करता है, वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि मानने के लिए बाध्य नहीं है। आज यदि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, मित्रतापूर्ण नहीं हैं। आज हम अमेरिका के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हैं, तो ये जो भी डिसीजन है वो हमारे देश की सरकार के द्वारा लिया जाता है, अर्थात हम स्वतंत्र हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण करने के लिए। हम किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। जब हम भारत के संविधान का अध्ययन करते हैं तो कहीं भी ब्रिटिश सत्ता का उल्लेख नहीं किया गया। भारत जो 200 वर्षों तक अधीन रहा था, स्वतंत्र होने के पश्चात कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि हम ब्रिटिश शासन के दबाव में हैं। तो इस तरह भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य बनाया गया, अर्थात जो सरकार या हम कह सकते हैं कि भारत में जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। भारत का शासन जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित किया जाता है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक होंगे, यानी कि वो 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का, और 5 वर्ष के बाद उन्हें दोबारा चुनने का अवसर जनता के पास है। यदि वो प्रतिनिधि जनता की सेवा करेंगे, जनता के हित में कार्य करेंगे, तो जनता उन्हें दोबारा अवसर देगी जीतने का, नहीं तो जनता उन्हें दोबारा अपना प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं करेगी। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें अंतिम शक्तियां जनता के पास होती हैं और जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन सत्ता का संचालन करती है, अर्थात भारत में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। इसी तरह भारत को एक गणराज्य कहा गया है, एक गणराज्य है। गणराज्य से क्या अभिप्राय होता है, गणराज्य में जो देश का प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, और जो भारत का प्रमुख कौन है, भारत का राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति है वो वंशानुगत आधार पर अपने पद को प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसका निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, इसलिए भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। जब हमने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया था तो ब्रिटेन का जो प्रमुख है सम्राट, वो जनता के द्वारा निर्वाचित ना होकर वंशानुगत आधार पर अपने पद को प्राप्त करता है, इसलिए ब्रिटेन
एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र नहीं है, लेकिन भारत क्या है? भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है, गणराज्य है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा ही किया जाता है। तो ये विशेषता आप समझ गए होंगे। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य भी है, लोकतांत्रिक राज्य है और गणराज्य है। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, वह है लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण। देखिए, कोई भी देश का संविधान लचीला है या कठोर है, इसका निर्धारण भारतीय संविधान में संशोधन के आधार पर किया जाता है। देखिए, यदि भारतीय संविधान में संशोधन एक साधारण तरीके से हो जाए तो हम कहते हैं वो देश का संविधान लचीला संविधान है, और यदि संविधान में परिवर्तन कठोर तरीके से होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, उसके लिए अलग से नियम पारित किए जाते हैं, तो वो कठोरता की श्रेणी में आता है। लेकिन जब हम भारत के संविधान का अध्ययन करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। यह न तो ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला संविधान है और न ही अमरीकी संविधान के भांति कठोर है। भारत ने इन दोनों संविधानों के मध्य का मार्ग अपनाया है, इसलिए इसे एक लचीला और कठोर संविधान का मिश्रण कहा जाता है। इससे अभिप्राय क्या है कि देखिए, जो भारतीय संविधान के कुछ साधारण जो अनुच्छेद हैं वो ऐसे हैं या कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा ही हो जाता है। ठीक है, तो ये है लचीलेपन का एक उदाहरण। लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं भारतीय संविधान में जिनके लिए जिनमें संशोधन के लिए दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत का होना अनिवार्य है। यानी कि केवल साधारण बहुमत के आधार पर संविधान की धारा में संशोधन ना होकर उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन संविधान की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं ऐसी हैं जिसमें संविधान की मूल भावनाएं निहित हैं, जो संविधान की आत्मा है। ठीक है, उनमें संशोधन के लिए दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन भी आवश्यक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। ये 54, 55 केंद्र राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 73 ऐसे कुछ धाराएं हैं जिन पर हम आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो भारत का संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। नेक्स्ट विशेषता आती है संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है? ब्रिटेन की तरह ही भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। देखिए, दो तरह की शासन प्रणाली होती है, एक है संसदात्मक शासन प्रणाली और दूसरी है अधीक्षात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है? देखिए, सबसे प्रमुख विशेषता तो ये होती है कि इसमें दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र की और दूसरी वास्तविक। जो नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत में राष्ट्रपति है, समस्त कार्य उसके नाम से किया जाता है, लेकिन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। और दूसरी और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायित्व उनका रहता है। यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध रहता है, तो भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली के बारे में हम विस्तृत अध्ययन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जब हम संसदीय शासन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे के निर्भर हैं, ठीक है। और दो तरह की कार्यपालिका है, नाममात्र की और वास्तविक। नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल शामिल होता है। अब आती है संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, भारतीय संविधान अपने आप में एक अनूठा संविधान है। अब इसमें देखिए, जैसे जब हम ब्रिटेन का संविधान का अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कि ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान है, अमेरिका का संविधान संघात्मक संविधान है। अब भारत ने क्या किया है, भारत ने संघात्मकता और एकात्मकता दोनों प्रणालियों के जो अच्छी बातों को ग्रहण किया है, ये दोनों तत्वों का अद्वितीय मिश्रण है। देखिए, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, भारत में शासन की शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित हैं। देखिए, केंद्र में यदि प्रधानमंत्री है और उनका मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्यों में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है। तो भारत के संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। संघीय सूची पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र को दे दिया गया है और राज्य सूची पर कानून निर्माण का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। समवर्ती सूची में की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इस तरह से लगता है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन भारत में एकात्मकता के भी गुण पाए जाते हैं। जब हम शक्तियों का अध्ययन करते हैं तो हमें लगेगा कि यद्यपि संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन अधिकतर जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो एक तरह से भारत का जो संविधान है वो संघात्मक और एकात्मकता का एक सुंदर मिश्रण है। इसे अर्ध संघात्मक राज्य की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें शक्तियों का बंटवारा भी है, लेकिन साथ ही केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। और जब भारत में आपातकालीन व्यवस्था को लागू किया जाता है तो समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो क्योंकि केंद्र के पास हैं, ये एकात्मकता का लक्षण है। भारत में देखिए इकहरी नागरिकता है, हम केवल भारत के नागरिक हैं, हम राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं माने जाते। अब अमेरिका है, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है, शक्तियों का विभाजन है, वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। लेकिन हमारे यहाँ एकात्मकता के लक्षण को अपनाया गया, इकहरी नागरिकता है, लेकिन शक्तियों का विभाजन भी किया गया है, राज्य भी है और केंद्र भी है, केंद्र की अपनी सरकार है और राज्य की अपनी सरकार। तो ये संघात्मक और एकात्मकता का सुंदर मिश्रण। तो आज इस लेक्चर में मैं आपसे केवल इन्हीं विशेषताओं को ही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम भारतीय संविधान की शेष विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आप ये मत समझना कि भारतीय